नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला झांसी के समथर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोबाइल शॉप पर जमकर विवाद हुआ है। संवाद सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल सुधारने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला गाली गलौज से होते हुए मारपीट तक जा पहुंचा। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि हमलावरों ने दुकान में घुसकर बेल्ट से मारपीट की। मारपीट की यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। उसके पश्चात भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए सुनते हैं कि पीड़ित दुकानदार चंद्र प्रकाश उपाध्याय ने क्या कहा है। चंद्र प्रकाश उपाध्याय निवासी चंदर। मैं किसी कारण बाजार आया था तो दो लोग मेरे पास आए, मेरी मोबाइल की दुकान है, तो उन्होंने कहा मुझे एक डिस्प्ले दे दी। तो मैंने कहा अभी लॉकडाउन है, मैं दुकान नहीं खोलूंगा। तो उन्होंने जबरदस्ती करते हुए नहीं आप मुझे दे दो। तो मैंने किसी कारण उनकी चलो बात मान ली। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गया तभी दो लोग अंदर आए, उनके साथ 5-7 लोग पीछे से दहाड़ते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे एक मोबाइल और कुछ रुपए लेकर 15,000 रुपए के आसपास रखा था वो रुपए लेके और वहाँ से भागने लगे। तभी मैंने दो लोगों को पकड़ लिया और बाकी पुलिस भी आ गई कुछ देर बाद वहाँ, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया उन लोगों को। तो मैंने थाना समथर में शिकायत की है, उन्होंने मुझे डॉक्टरी के लिए मोटर रिफर किया।